हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरी और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी है ठीक ठाक है, हम लोग भी ठीक है। आज है दिन मंडे और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 6:30। अभी से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बहुत दिन हो गया है मैंने आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर किया था, स्पेशली विंटर आने के बाद। तो चले आज जो है आप लोगों के साथ मैं सुबह से रहने वाली हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखते हो बट लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठ के आप लोगों ने देखा, सबसे पहले मैंने गर्म पानी लिया था। ये मेरा डेली का हैबिट है, मुझे एक कप गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय भी बना लिया था, क्योंकि आज बहुत ही ठंड लग रहा है, तो इसलिए मैंने चाय पी लिया था। और चाय पीने से जो है काम का एनर्जी भी मिलती है काम करने का। तो फिर मैं आ गई थी किचन पे और यहाँ पर मैं आप लोगों को लौकी दिखा रही थी। कल रात को मैंने कट करके रखा था, बट कल रात को सोच रही थी कि लौकी का दाल बनाऊंगी। आज अचानक से जो है ये लौकी का पोस्तो खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं लौकी का पोस्तो बनाऊँगी और उसके साथ बैगन फ्राई बनेगा। और इधर मेरा राइस हो रहा है। तो पोतेदेव को जो है ना गाँव से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है, तो इसका गले में जो है बहुत ही पेन हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि अदरक दे के चाय बनाना। तो देखिए अभी जो है बैगन फ्राई मैंने बिठा दिया था और पोतेदेव जब तक फ्रेश हो रहा है यहाँ पर मैं खसखस को भी पेस्ट कर लेती हूँ, तो थोड़ी देर बाद इसके लिए चाय भी बनाना है। तो और मैं ना सिलपट्टा से ही खसखस और राई को पेस्ट करती हूँ। आप लोगों को मैं इसका रीज़न जो है बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए बैगन जो है एक साइड फ्राई हो गया था, दूसरे साइड मैंने पलट लिया है। और अभी यहाँ पर मैं लौकी का पोस्तो बना रही थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई पर सरसों का ऑयल दे दिया है, उसके बाद जो है सूखा मिर्च और थोड़ा सा मैंने खड़ा गर्म मसाला खड़ा जीरा ऐड कर दिया था। और यहाँ पर देखिए पोतेदेव के लिए मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था, आज उसका ड्यूटी है तो वो खाना साथ में लेके जाएगा। तो चाय के साथ जो है मैंने अदरक और गोलमरीच दिया था और थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे जो है सर्दी खांसी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो देखिए यह है आज का लंच, खसखस बैगन फ्राई और उसके साथ है दाल। बेबी के लिए बॉर्नविटा। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग मम्मा। एनो बेबी, और ये क्या खा रहे हो? इटा गुड्डा बिस्किट। कुकीज? हाँ, मुझे दो एक। तो थैंक यू। तो बेटू कितना अच्छा है, देखिए एक बार में मांगा और दे दिया। चॉकलेट होता तो नहीं बेबी, चॉकलेट होती था मांगे। हाँ है? एक बार बाहर का नज़ारा देख। चलिए सुबह से हम जब पहले उठे थे ना बिल्कुल भी धूप नहीं थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है। देखिए पूरी तरह से नहीं है बट थोड़ा थोड़ा निकला है। और ये मेरे पेड़ पौधों का हालत देखिए एकदम ख़राब हो गया, मैं घर पे नहीं थी ना इसके लिए और भी ख़राब हो गया है। देखिए और इधर ना देखिए ऑपरेटर का जो पौधा है एक भी फ्लावर नहीं आ रहा है आजकल, और ये टाइम फ्लावर भी ख़राब हो गया है इसका पौधा भी। और ये एक नयनतारा का पौधा मैंने लगाए थे, और ये तुलसी का पौधा ना ये इसका भी हालत ख़राब है। और ये देखिए ये जो है एक पत्ताबहार है, तो हर विंटर में इसमें ना रेड कलर्स का फ्लावर होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। अगले विंटर मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और वो रहा मेरा चिली का पौधा और उसके साथ जो है ये दो ठो मैंने चुबा का पौधा लगाया था। तो
तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा था टाइम, और किचन का हालत अब लोग देखिए कितना मैसी हो गया है। मेरा लंच तो बन के रेडी हो गया है, बट किचन का हालत बहुत ही बुरा है। तो अभी जो है फटाफट मुझे क्लीन करना है किचन को, और बेबी को मैं पढ़ने के लिए बिठा दिया है, कुछ मैथ वगैरह वो उसको दे के आई थी, वो अभी के सॉल्व कर रहा है। तो मैं ये सब क्लीन करने के बाद ही जाके देखूँगी। और सुबह जो है बिल्कुल ही मेरे पास वक्त नहीं होता है, और अभी ना विंटर हो तो इतना ज़्यादा टाइम, मतलब इतना जल्दी जल्दी टाइम बीत जाता है कब पता ही नहीं चलता है। तो बेटू का स्कूल ऑफ है, इसके लिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, नहीं तो और भी मुझे मतलब जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। तो बेटू को भी रेडी करना पड़ता है, साथ ही साथ जो है हस्बैंड का भी ऑफिस है, तो इसके लिए लंच ब्रेकफास्ट दोनों ही पकाना पड़ता है। तो चलिए अभी जो है फटाफट हम किचन को क्लीन कर लेते हैं। और खाना जो है एक साइड मैंने कर दिया था, क्योंकि जो गैस ओवन में क्लीन कर रही थी तो थोड़ा सा गंदगी जो है मतलब यहाँ वहाँ लग जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा खाना को जो है हटा दिया है। और ये फटाफट बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है सिंक एरिया भी क्लीन करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, फिर जो है आप लोगों से बातें करते हैं। हे गाइस, तो किचन तो मेरा क्लीन करना हो गया था, और किचन क्लीन करते करते जो है मेरा कपड़े वगैरह थोड़ा सा भीग गया था, तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ा। तो अभी मैं पूरी घर पे झाड़ू लगा रही थी, तो दोनों बेडरूम मेरा झाड़ू लगाना हो गया था। तो झाड़ू मैं पहले कभी कभी मतलब बर्तन धोने के पहले करती हूँ, नहीं तो बाद में भी करती हूँ। तो डेली का रूटीन जो है एक ही नहीं रहता है, कभी कभी चेंज होता है। और बेटू का यहाँ पर जो है पढ़ाई हो गया था, वो अभी ब्रेकफास्ट खाएगा और साथ में जो है थोड़ा सा टीवी भी देखेगा। तो इसके बाद जो है हम लोग नहा लेंगे, और आज जो है कपड़े वगैरह थोड़ा सा ही वॉश करना था, तो वो भी करना है, नहाने के टाइम ही वॉश कर लूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।